तो आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं आप सभी की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि इन द फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव डैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें कुछ ऐसा फिगर बना के दिया गया है, ए ओ बी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। देखो देख के तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है। हमें ये रखा है वाई एंगल है और ये रखा है एक्स एंगल है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई, इसको बोला गया जेड है और इसको बोला गया डब्ल्यू है। तो हमें बताया जा रहा है कि एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं इन सबका सम होता है 360 डिग्री। इनको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल्स। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। यानी हम सीधा लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। रीजन क्या होगा? कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है ए ओ डी क्या दे रखा है जेड, ये हमें दे रखा है डब्ल्यू, ये हमें दे रखा है एक्स, और ये हमें ये दे रखा है वाई। इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? डब्ल्यू प्लस जेड के। तो हम इन दोनों को हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हम एक्स जेड प्लस डब्ल्यू के प्लेस पर हम चाहें तो एक्स प्लस वाई नोट कर सकते हैं, और एक्स प्लस वाई हमें कितना दे रखा है 180, यानी टू टाइम्स एक्स प्लस वाई हमें क्या मिल गया 180 डिग्री, सॉरी 360। यहाँ पे आप सही कर लेंगे, इसका सम कितना है 360 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 360 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई हमें क्या मिल गया 180 डिग्री। ठीक है, तो जब कभी भी दो एंगल्स का सम कितना हो जाए, दो एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री बन जाए, तो उनका बेस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। द नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।